नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि आज जो लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल का मुकाबला होने वाला है, उसमें कैसे कुछ खिलाड़ी बेहद ही खतरनाक और तूफानी पारी खेलने वाले हैं, और खास करके केएल राहुल, जिस पर हम सभी की नजरें होंगी। दोस्तों, आपको बता दें, केएल राहुल आज बेहद ही शानदार फॉर्म में नजर आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की केएल राहुल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि केएल राहुल लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करके अपनी टीम के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आज दोस्तों, उन दो टीमों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है जो कि पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पर विराजमान है, और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही टीमों में से पॉइंट टेबल में कोई भी नीचे आने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में आज का जब मुकाबला होने वाला है, तो निश्चित तौर पर खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। तो मैं आप सभी को कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आज के मुकाबले में बेहद ही रोमांचक पारी खेलने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आज केएल राहुल की बेहद ही खतरनाक और बड़ी और लंबी तूफानी पारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा केएल राहुल कितनी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, और केएल राहुल वो खिलाड़ी हैं जो कि अपने दम पर मैच जिताने की क्षमता रखते हैं, और इस साल का सीजन भी केएल राहुल का काफी अच्छा जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज के मुकाबले में भी केएल राहुल बेहद ही खास पारी खेलकर दिखाएंगे। आपको बता दें, अभी तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने जितने भी मुकाबले खेले हैं, उसमें केएल राहुल ने हर मैच में ही अपनी छाप छोड़ी है, अगर गुजरात के साथ हुए पहले मुकाबले को छोड़ दे तो। और इसी वजह से केएल राहुल जो है वो ऑरेंज कैप की रेस में भी टॉप 10 में बरकरार है। साथ ही साथ अगर बात करें हम दूसरे खिलाड़ी की, तो वो है क्विंटन डीकॉक। जी हां, आपको बता दें, क्विंटन डीकॉक भी इस सीजन में बेहद खास तरह की फॉर्म में नजर आए हैं, और दोस्तों, क्विंटन डीकॉक भी इस साल ना सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बल्कि अपनी टीम के लिए मैच जिताऊ पारियां खेल रहे हैं। क्विंटन डीकॉक ने अभी तक दोस्तों 110 गेंदों का सामना करते हुए 149 रन बना दिए हैं, जिससे ये बात तो साफ जाहिर हो रही है कि क्विंटन डीकॉक काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, और वो अपनी टीम के लिए लगातार रन भी बना रहे हैं। क्विंटन डीकॉक पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि क्विंटन डीकॉक जिस तरह के खिलाड़ी हैं, वो अकेले अपने दम पर मैच को जिताने की क्षमता रखते हैं, और मैच में शुरू से लेकर के अंत तक टीम को बनाए रखते हैं। जब तक क्विंटन डीकॉक रहते हैं, तब तक ऐसा लगता है कि इनकी टीम मैच हार ही नहीं सकती। तो क्विंटन डीकॉक से भी आज उम्मीदें रहेंगी कि ये भी आज बेहद ही अच्छी पारी खेलेंगे, और हो सकता है कि आज एक बार फिर से 60 से 70 रनों की पारी खेलें। बात करें अगर हम थर्ड नंबर के प्लेयर की, तो वह है दीपक हुड्डा, जिनका बल्ला इस साल बहुत ही शानदार तरीके से रन बरसा रहा है, और दीपक हुड्डा भी दोस्तों इस साल काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आपको बता दें, आज के मुकाबले में भी दीपक हुड्डा पर हमारी नजरें होंगी, क्योंकि दीपक हुड्डा ने इस साल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। इन्होंने 95 गेंदें अभी तक खेली है 4 मुकाबलों में, और 130 रन इन्होंने बनाया है। दीपक हुड्डा की वजह से ही लखनऊ सुपर जायंट्स कुछ अपने ऐसे मुकाबले जीत चुकी है जिसमें लखनऊ के जीतने की उम्मीद तक नहीं थी, क्योंकि वहां पर दीपक हुड्डा ने आकर काफी तेज पारियां खेली, और इस वजह से लखनऊ की टीम जीत गई। तो ये तीन ऐसे प्लेयर हैं जो कि आज अपनी टीम को मुकाबला जिता सकते हैं, और इन पर सभी की निगाहें भी टिकी होंगी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जरूर केएल राहुल, डीकॉक और दीपक हुड्डा मिलकर आज लखनऊ की टीम को मैच जिताएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आज लखनऊ की टीम जीतने वाली है? कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।